नमस्कार। एक प्रॉब्लम आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि जो आप एसर वेरिटोन वगैरह का सिस्टम देखते होगे और उसमें मदरबोर्ड होता है A75F2 हाइफन है वर्जन 1.10, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ज़्यादातर से 7C एरर आता है। वो एरर कोड अगर आपके पास टूल्स नहीं होते हैं प्रॉपर, तो आप लोग डायग्नोस नहीं कर पाते प्रॉब्लम होता क्या किस चीज़ का है, और डिस्प्ले नहीं आता उस केस में। तो उस केस में क्या फॉल्ट होता है, आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। अगर आप लोग जानोगे तभी प्रॉब्लम को ठीक कर पाओगे। आपका सिस्टम नहीं चलता है, डिस्प्ले नहीं आता है AMD का सिस्टम में, तो फॉल्ट क्या होता है, 7C एरर, उस एरर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑन करके करके सिस्टम को देखते हैं स्विच का क्या प्रॉब्लम आता है। आपके पास ये डीबग कार्ड होना चाहिए, इसे डीबग कार्ड बोलते हैं। ये 200 रुपये के तक का मार्केट में मिल जाता है, 250 ऑनलाइन आप खरीदोगे 300-400 डबल रेट में मिलता है। लेकिन ऑफलाइन मार्केट में आप आसानी से, दिल्ली में रहते हैं तो आपको लाजपत राय मार्केट या नेहरू प्लेस में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑन करके दिखाते हैं दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। 80, अभी कुछ टाइम बाद ये 7C एरर दे देगा, या 8080 एरर आएगा, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले नहीं आ रहा, इसी रैम पे यही रैम लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिकर भी सेम है, ठीक है। ओके, तो क्यों नहीं आता है, 80 और 7C एरर आता है, तो CMOS बैटरी हम निकाल देंगे तो 7C एरर आने लगेगा, ठीक है। ओके दोस्तों, तो CMOS बैटरी क्या होता है, इसमें AMD में क्या अहम रोल अदा करता है, देखिए 7C एरर आ गया। तो चलिए मैं आपको टेक्निकल फॉल्ट बताता हूँ, इसमें क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम होता है। और डिस्प्ले भी हमारा नहीं आया, देखिए, और VGA केबल हमारा लगा हुआ है। तो इस केस बिहाइंड द सीन क्या होता है, रैम भी हम नहीं निकालेंगे, इसी रैम पे डिस्प्ले आएगी, ठीक है। ओके, तो एक बार बंद करते हैं दोस्तों, आप लोगों को इसमें चेक कराते हैं इसका वोल्टेज। सबसे पहले आप वोल्टेज चेक करिए, CMOS बैटरी का मेन रोल इससे डिस्प्ले से होता है, ठीक है। अगर CMOS प्रेजेंट, CMOS जो बैटरी नॉट प्रेजेंट, अब्सेंट, अब्सेंस आएगा इसके सिग्नल पे, इसके PCH पे, तो ये क्या होगा कि ये डिस्प्ले नहीं देगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ओके, अगर आप देखोगे तो मैं इधर 3 ग्राउंडिंग ले लिया और यहाँ पे चेक करूँगा, ठीक है। CMOS बैटरी पे देखिए 0.89 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। इस यहाँ पे 3 वोल्ट जो कि प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बैटरी चेंज करता हूँ सिंपल, और आपके सामने डिस्प्ले 100% आ जाएगी, 7C80 एरर हट जाएगा और डिस्प्ले आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लगाया, यहाँ पे 2.85 वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको ये फॉल्ट का ट्रिक, ठीक है। तो आप डिस्प्ले देखिएगा, आप कोडिंग में एरर में देखिए, ये देखिए 80 आया और डिस्प्ले भी यहाँ पे आ जाएगा, 100% डिस्प्ले आ जाएगा। देखिए कोडिंग चेंज हो गया, देखिए 6299 और डिस्प्ले भी आ जाएगा, देखिए पंजाब नेशनल बैंक करके आ गया। तो ये हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आप भी इस प्रॉब्लम को, अगर आप ये प्रॉब्लम जान जाएंगे तो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ओके। वो बंद हो गया था, दोबारा मैंने बंद कर दिया था, ठीक है। ये देखिए इस तरह से कोडिंग आपका आगे बढ़ जाएगा और डिस्प्ले भी 100% आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो अगले फॉल्ट के साथ, टेक्निकल फॉल्ट के साथ। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी रिपेयरिंग भी नहीं करनी है, बोर्ड भी नहीं भेजना है, इससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो देखिए हैंड आगे बढ़ चुका है, मैं ओ सॉरी USB नहीं लगाया, लगाऊंगा तो ये आगे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं था और ये डिस्प्ले भी आ गया, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।